Hi guys, this is Anjali and welcome back to my channel. और मेरा आज का वीडियो है इस बारे में कि आप कैसे घर पे बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम टाइम में अपने लिए एक क्रॉप टॉप या फिर ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में जो टॉप पहना हुआ है उसी की स्टिचिंग आज मैं आपको बताऊंगी। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए आप अपनी फिटिंग का कोई भी टॉप ब्लाउज ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपना खुद का भी नाप ले सकते हैं। तो आपको सारे नाप लेके उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले शोल्डर, देन चेस्ट का साइज, ब्लाउज की लेंथ एंड वेस्ट साइज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कटिंग। क्योंकि ये टॉप का कपड़ा थोड़ा सा पतला है इसलिए मैं इसमें लाइनिंग लगा रही हूँ और सबसे पहले मैं लाइनिंग कट करूंगी। तो जो हमने मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग मार्क लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने शोल्डर का साइज लिया है 14 तो उसको हम हाफ करेंगे, दैट मीन्स की 7 इंच, क्योंकि कपड़े को फोल्ड करके रखना पड़ेगा कटिंग करने से पहले। उसके बाद स्लीव्स की कट साइज के लिए आप अपना जो भी ब्लाउज का नाप ले रहे हैं उसका मेजरमेंट ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच का मार्क लगाया है। अब उसके बाद हम चेस्ट का साइज ले लेंगे। एंड गाइस, ये बात ध्यान में रखिए कि आप अगर अपने किसी भी ड्रेस का नाप ले रहे हैं तो वो आपने ओपन करके लिया है और जब आप कपड़ा कट करते हैं तो उसे फोल्ड करके करते हैं, इसलिए आपने जो नाप लिया है उसको हम जस्ट हाफ करके मार्क लगाएंगे। इसी तरह हमें लेंथ भी ले लेनी है और जो हमने वेस्ट का साइज लिया है वो भी हम मार्क लगा लेंगे। अब हमको सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से अटैच करना है। तो देखिए सारे पॉइंट्स हमने अटैच कर दिए, मार्किंग अच्छे से हो गई है। अब हम कट कर लेंगे नेक लाइन। क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पर एक बोट नेक तो ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है आपको भी अगर आप एक बोट नेक बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे नेक का साइज ले लिया है, तो नेक का जो ये साइज था वो 6 इंच था और जैसे मैंने कहा कि कपड़ा फोल्ड है इसलिए हमें हाफ लेना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 3 इंच का मार्क लगा लिया है। और शोल्डर थोड़ा डाउन होता है इसलिए वहाँ पे हम थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन ऐसे बनाएंगे और स्लीव्स को भी ऐसे कर्व शेप देंगे जैसा कि आप इस टाइम पे वीडियो में देख रहे हैं। एंड गाइस, अब हम ले लेते हैं मार्जिन। मार्जिन लेना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी आपने साइज लिया है उससे 1 से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा कपड़ा लेके चलेंगे और उसके बाद ही कटिंग करेंगे, क्योंकि कपड़े को दबाने के लिए या फिर अगर आप बाद में अपना ड्रेस लूज भी करना चाहें तो उसमें भी मार्जिन बहुत काम आता है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बैक साइड के नेक का डीपनेस का मार्क, क्योंकि बोट नेक है तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगा इसलिए मैंने जस्ट 2.5 इंच ही डीप रखा है बैक साइड से। तो सारे मार्क्स तो अच्छे से लग गए हैं अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। अब कर लेते हैं कटिंग। तो ये देखिए गाइस, हमारा एक पोर्शन कट के रेडी है। अब इसी तरह हम दूसरा पोर्शन भी कट कर लेंगे और वो कट करना बहुत इजी है क्योंकि हमारा एक पार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, तो बस उसी को हम दूसरे कपड़े के ऊपर रख के मार्क लगा लेंगे। तो
अब मैं यहाँ पे फ्रंट के नेक का मार्क लगा रही हूँ और फ्रंट का नेक बैक के नेक से थोड़ा डीप होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप डीप चाहते हैं उतना रख सकते हैं। चलिए अब लाइनिंग की बैक और फ्रंट की कटिंग तो हो गई, अब हम जो मेन कपड़ा है आपके टॉप का उसे कट कर लेते हैं और इसे हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट करेंगे। इसलिए मैंने कपड़े को 4 folds में रखा है सो दैट कि पीछे और आगे का सारा पोर्शन एक साथ कट हो जाए और इसे कट करना भी इजी होगा क्योंकि हमारे सारी जो कटिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है लाइनिंग से, तो हमें जस्ट उस लाइनिंग को अपने जो मेन कपड़ा है उसके ऊपर रख के मार्क लगा लेना है। चलिए अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो हमारा टॉप तो पूरी तरीके से कट हो चुका है, लाइनिंग भी और मेन फैब्रिक भी। अब कट कर लेते हैं स्लीव्स। तो स्लीव्स कट करने के लिए हमारा जो टॉप हमने कट किया था उसकी स्लीव्स के कट वाले पोर्शन को हम मेजरमेंट कर लेंगे कि कितनी चौड़ाई चाहिए आपके हैंड के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद हम जो स्लीव का कपड़ा है उसको 4 folds में रखेंगे सो दैट कि आगे और पीछे की स्लीव्स एक साथ कट हो जाए। और हमने ले ली यहाँ पे लेंथ जितनी भी हमें स्लीव लंबी रखनी है, और उसके बाद जहाँ से स्लीव का ओपन वाला पोर्शन है वहाँ से हम अप्रॉक्सीमेट 2.5 inch नीचे एक मार्क लगाएंगे और इस तरह से एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे जैसे अभी आपको वीडियो में दिख रही है। और फिर उस लाइन को हमें एक कर्व शेप देना है, देखिए इस तरह से आपको उसे कर्व करना है। और उसके बाद दूसरी साइड से भी हम स्लीव की लेंथ ले लेंगे और फिर आपको जितनी चौड़ाई रखनी है स्लीव की नीचे साइड से वो आप अपना मेजरमेंट ले सकते हैं और उसके बाद उसको मार्क लगा लीजिए। जितना भी आपने मेजर किया है उसका हाफ मार्क लगाना है क्योंकि आपने फुल अपना मार्क लिया है और कपड़ा हमने फोल्ड करके रखा है, ये ध्यान रखिएगा। और चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यस यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है और एक साथ हमने दोनों स्लीव्स कट कर लिए हैं। अब बारी आती है इनको आपस में स्टिच करने की। तो मशीन की स्टिचिंग करने से पहले मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि इनको कच्ची तरीके से सिल लूँ, कि सुई और धागे की हेल्प से। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है स्टिचिंग करने में या फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले उसे हाथ से कच्चा कर लें। देखिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग लगा दी है दोनों पोर्शंस में निडल और धागे की हेल्प से कच्चा करके, अब वैसे ही मैं इसकी स्लीव्स भी जोड़ लूँगी। तो चलिए गाइस अब हम स्लीव को अटैच कर लेते हैं, लेकिन स्लीव्स अटैच करने से पहले शोल्डर्स को अटैच करना या सिलना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले वो काम कर लीजिए उसके बाद ही स्लीव्स को अटैच करिए। तो मैंने स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं और मैंने अभी इसको सिर्फ कच्ची स्टिचिंग की है इसमें सुई धागे की हेल्प से, और ऐसे कच्ची स्टिचिंग करना बहुत ही ईजी रहता है, उसके बाद आप ईजिली मशीन से इसको पक्की स्टिचिंग कर सकते हैं। एंड यस अब टाइम आ गया है मेरी राम प्यारी को बुलाने का, तो आप मिलना चाहते हैं मेरी राम प्यारी से? तो हाँ गाइस ये मेरी राम प्यारी जो मुझे स्टिचिंग में बहुत हेल्प करती है, मेरी उषा की मशीन। तो मैंने नेक लाइन पे भी एक ऐसी सीधी पट्टी काट के ऐसे स्टिच कर ली है, अभी मैंने इसे जस्ट कच्चा किया है। तो सबसे पहले मैं इसको मशीन से स्टिच करने जा रही हूँ। और ये चल पड़ी मेरी राम प्यारी अपने काम पे। तो हमारा
आधा से ज्यादा काम तो गाइज हो ही चुका है, कटिंग हो गई है, हमने कच्ची साड़ी की सारी स्टिचिंग कर ली है। अब हमें उसमें सिर्फ पक्की सिलाई करनी है और मशीन चलानी है, तो इस तरह से काम बहुत ही इजी हो जाता है और आप इजीली घर पे कोई भी क्रॉप टॉप, ब्लाउज, इस टाइप की चीज बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने टॉप की नीचे साइड से ऐसे बॉर्डर को डबल सिलाई दी है। अब टॉप के साइड को भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो यस गाइस, यहाँ पे मेरा क्रॉप टॉप पूरी तरह से बनके रेडी है। बस अब मुझे इसके सेंटर पे आगे और पीछे दोनों साइड दो दो प्लेट्स देनी है, सो दैट की फिटिंग और भी ज्यादा अच्छी आ जाए। तो यस, देखा आपने कितनी इजीली और कम टाइम में एक सिंपल बट ब्यूटीफुल क्रॉप टॉप बनके रेडी है। तो आप भी ऐसे ही अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं कुछ पुराने कपड़ों के साथ, और जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाए तो डेफिनेटली आप अपने लिए नया क्रॉप टॉप बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, कितनी अच्छी फिटिंग आई है एंड एकदम परफेक्ट लग रहा है ये। तो यस, अगर आपको यूजफुल लगा है ये वीडियो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड जाते जाते बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं अंजलि जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, बाय बाय।